तो पूरी दुनिया में अब भारत की ताकत का डंका बज रहा है और यहाँ तक कि चीन भी भारत की उभरती शक्ति को मान्यता देने को तैयार हो रहा है। पिछले 33 सालों से यूके और फ्रांस ने यूएनएससी में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या उन्हें अब भी इस परमानेंट सीट पर बने रहना चाहिए। हाल ही में पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक बयान देकर पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा कि अब समय आ गया है कि यूएनएससी की स्थायी सीटें भारत और अफ्रीकी संघ को दी जाएं। इस बयान के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में भारत को वीटो पावर देने की मांग तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, महासचिव और पूर्व महासचिव भी भारत को परमानेंट सीट देने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि अगर इतने बड़े बड़े नेता भारत का समर्थन कर रहे हैं तो आखिरकार भारत को इस सीट पर कब्जा करने से कौन रोक रहा है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के अमीर उद्योगपति जैसे कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी शायद इस प्रक्रिया में रुकावट डाल रहे हैं। इनका तर्क है कि ये उद्योगपति अपनी निजी खर्चों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन देश की गरीबी मिटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते। सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह आपके लिए सिर्फ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। जहां तक फ्रांस और ब्रिटेन का सवाल है, तो ये दोनों देश कभी अपने समय में औपनिवेशिक ताकतों के रूप में जाने जाते थे। इन देशों ने अपने साम्राज्यवाद के दौर में दूसरे देशों को लूटकर धन इकट्ठा किया और उनकी टेक्नोलॉजी चुराई। लेकिन आज स्थिति यह है कि ये अपने ही देश के अंदर के समस्याओं को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, खासकर दंगों को नियंत्रित करने में असफल हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये देश सुरक्षा परिषद में सुरक्षा की गारंटी कैसे दे पाएंगे। इसलिए अब आवाज उठ रही है कि यूएनएससी की स्थायी सीट से इन दोनों देशों को हटाया जाए। खासकर ब्रिटेन के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि पिछले 43 सालों में इन देशों ने एक भी बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख किशोर महबूबानी, जो सिंगापुर के एक जाने माने राजनायक और लेखक हैं और जो पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि ब्रिटेन की जगह भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। महबूबानी के इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि भारत को P5 में ब्रिटेन की जगह मिलनी चाहिए। अगर समय रहते ऐसा नहीं हुआ तो इससे संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं। जिस प्रकार ताइवान कमजोर होने पर उसकी जगह चीन को स्थायी सदस्यता दी गई थी, उसी तरह अब जब ब्रिटेन कमजोर हो गया है तो उसकी जगह भारत को क्यों नहीं दी जा सकती। आइए दोस्तों, अब यह समझते हैं कि आखिरकार भारत को यूएनएससी की स्थायी सीट पर बैठने से कौन रोक रहा है। अगर हम चीन की बात करें तो इसे भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट से हटाना चाहिए, क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। सोचिए, अगर आप किम जोंग जैसे तानाशाह को सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट पर बैठा देंगे तो वह दुनिया की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, बल्कि सबसे पहले दक्षिण कोरिया पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और जापान पर हमला करेगा। ठीक इसी तरह चीन भी काम कर रहा है। कुछ साल पहले चीन का आकार छोटा था, लेकिन उसने विस्तारवादी नीतियों के तहत दूसरों की जमीनें हड़प ली और अब वह एक बड़े और प्रभावशाली देश के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। आज भी चीन फिलीपींस, ताइवान, जापान और भारत जैसे देशों को परेशान कर रहा है। हालांकि भारत को वीटो पावर देने के मामले में चीन उतना बड़ा रोड़ा नहीं है जितना कि मीडिया में दिखाया जाता है। चीन का असली लक्ष्य यह है कि किसी भी तरह जापान को वीटो पावर नहीं मिले, लेकिन भारत के मामले में वह थोड़ा नरम दिखाई देता है। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। हाल के वर्षों में भारत ने चीन की आक्रामकता का कड़ा जवाब दिया है। भारत ने MTCR के माध्यम से फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी और दूसरी तरफ चीनी कंपनियों को अपने देश से बाहर निकाल दिया। इसके अलावा रूस के साथ अच्छे संबंधों के कारण भी चीन भारत के खिलाफ सीधे कदम उठाने से डरता है। रूस और चीन दोनों यह अच्छी तरह समझते हैं
कि अगर भारत ब्रिक्स समूह से निकलकर G7 में शामिल हो गया तो उनकी पूरी रणनीति और डीडॉलराइजेशन का अभियान विफल हो जाएगा। इसलिए ये दोनों देश अब भारत के प्रति नरम रुख अपनाए हुए हैं। हाल ही में जिस तरह चीन ने भारतीय विदेश मंत्री एसटी जयशंकर के खिलाफ लिखे एक आर्टिकल को डिलीट किया, ये संकेत देता है कि चीन अब अपने पुराने फैसले बदलने के लिए तैयार है और संभवतः भारत को वीटो पावर देने पर भी विचार कर सकता है। ऐसा लगता है कि चीन अब भारत के सामने झुकना सीख गया है। रूस तो पहले से ही हमेशा भारत के समर्थन में खड़ा रहा है। सोवियत रूस ने 6 बार वीटो पावर का इस्तेमाल कर भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सुरक्षा प्रदान की है। अब चीन भी भारत के लिए नरम रुख अपनाता नजर आ रहा है, लेकिन आज भी अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वह अमेरिका है। अमेरिका को हमेशा यह डर रहता है कि यदि भारत को वीटो पावर मिल गया और वह चीन और रूस के साथ एकजुट हो गया तो इससे वैश्विक सत्ता संतुलन बदल सकता है। इसी डर के कारण अमेरिका ब्रिटेन को भी अपनी स्थायी सीट नहीं छोड़ने दे रहा है। दरअसल अब हमें वीटो पावर पाने के लिए चीन से टकराव की जरूरत नहीं है, बल्कि ब्रिटेन को इस सीट से हटाने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका है। आप में से कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि उसकी बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और P5 देशों की तुलना में भारत का जीवन स्तर काफी नीचे है। यह सही है कि भारत की आंतरिक समस्याएं भी एक बड़ा कारण है, लेकिन इसका समाधान चीन और भारत की तुलना से समझा जा सकता है। अगर चीन अपने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकता है तो भारत भी ऐसा कर सकता है। हमें अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देकर इस चुनौती का सामना करना होगा ताकि भारत को वीटो पावर मिलने का रास्ता साफ हो सके। हाँ, यह सच है कि चीन ने बहुत तेजी से अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, लेकिन वहां आज भी कुछ हद तक गरीबी मौजूद है। भारत की विकास प्रक्रिया थोड़ी धीमी और अनऑर्गेनिक है। चीन ने 2 प्रमुख कारणों से इतनी तेजी से विकास किया। पहला, उसने बहुत जल्दी उदारीकरण और आर्थिक सुधार लागू किए, और दूसरा, वहां एक दलीय प्रणाली वन पार्टी सिस्टम है जहां कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी नीतियों को जबरन लागू किया। भारत में ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि यहां लोकतंत्र है। अगर यहां कोई सरकार 2 से अधिक बच्चों पर कानून बनाने की कोशिश करे तो वह सरकार गिर सकती है। हालांकि लोकतंत्र के अपने फायदे भी हैं। भारत को हाल ही में एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने चुना जो पहले चीन में थी। इससे भारत में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। एक और बड़ा फर्क यह है कि चीन और P5 देशों ने छोटे देशों को लूटकर अपनी स्थिति मजबूत की है, जबकि भारत अपने दम पर आगे बढ़ रहा है और अब UK, फ्रांस और चीन को चुनौती दे रहा है। इन तीनों में से ब्रिटेन सबसे कमजोर हो गया है, इसलिए उसे सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट से हटाने की बात हो रही है। अगर हम भारत के अमीर लोगों की संपत्ति को आधी बांट दें तो 40% गरीबों की संख्या घटकर सिर्फ 10% रह जाएगी, लेकिन ऐसा करना लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होगा। भारत को अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझाकर और अपने आर्थिक विकास को गति देकर ही सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हासिल करनी होगी। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इसका फायदा उद्योगपति और आम जनता दोनों को मिलेगा। इसी कारण सरकार बिहार जैसे गरीब राज्यों को आर्थिक पैकेज दे रही है ताकि वहां बुनियादी ढांचे का विकास हो, फैक्ट्रियों का निर्माण हो और लोगों को रोजगार मिले। इससे गरीबी में कमी आएगी और लोगों को नए अवसर मिलेंगे। हालांकि यह चिंता की बात है कि भारत के 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को इन अमीरों पर अतिरिक्त टैक्स लगाना चाहिए ताकि गरीबों की मदद की जा सके। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है, यह तरीका पूरी तरह से अनऑर्गेनिक नहीं होगा। चीन जैसे देश इस तरह के फैसले रातों रात लागू कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने जैक मा के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन भारत में ऐसा करना मुश्किल है। अमीरों पर 2% अतिरिक्त टैक्स लगाने की चर्चा वैश्विक स्तर पर हो रही है ताकि वे अपना पैसा लेकर दूसरे देश न भाग जाएं।
अगर वे किसी और देश में जाते हैं तो वहां भी उन्हें यही अतिरिक्त टैक्स देना पड़े। अगर ऐसा होता है तो गरीबों को बड़ी राहत मिल सकती है। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की कुल जीडीपी का 10% हिस्सा अंबानी परिवार के पास है। इसका मतलब है कि भारत की सालाना कमाई का लगभग 400 अरब डॉलर अंबानी परिवार के पास है। हालांकि इनकी वास्तविक संपत्ति 50 अरब डॉलर से अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी यह रकम काफी बड़ी है। सरकार को इन पर ज्यादा टैक्स लगाकर देश में आर्थिक समानता सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ सकें। इससे भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की दावेदारी और मजबूत हो सकेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें। इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।